हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड परेड के अंदर जो कैडेट्स हैं वो मार्च कर रहे हैं देयर आर थ्री कैडेट्स इन अ रो और एक रो के अंदर फाइव कैडेट्स हैं जैसे कैडेट्स देखे होंगे आपने जो सिपाही होते हैं स्पाइक ड्रेस में वो मार्च कर रहे हैं और एक रो के अंदर फाइव कैडेट्स हैं जैसे ये एक रो हो गई इसमें फाइव है ऐसे ही दूसरी रो होगी उसके अंदर भी फाइव कैडेट्स हैं ऐसे ही एक रो के अंदर फाइव कैडेट्स हैं वॉट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज अगर आपको एन नंबर ऑफ रोज दे दी जाए तो फिर आप नंबर ऑफ कैडेट्स निकालने के लिए क्या रूल बनाओगे देखिए एक रो के अंदर है फाइव कैडेट्स अगर एक रो है ये फाइव कैडेट हैं एक रो के अंदर तो फाइव वन फाइव हो गया एक रो में फाइव कैडेट हो गए अगर दो रोज हैं तो फाइव को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव टूर टेन कैडेट हो गया दो रोज के अंदर दस कैडेट हो जाएंगे अगर नंबर ऑफ रोज आपकी एन है लेट सपोज नंबर ऑफ रोज यहां तो दो थी दस हो गए एक थी पांच हो गया अगर एन नंबर ऑफ रोज है एन कितना भी हो सकता है हमें पता नहीं है कितना है फाइव टेन ट्वेंटी जितना भी होगा तो फिर नंबर ऑफ कैडेट कितने हो जाएंगे सिंपली फाइव के एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी इट मीन फाइव एन तो ये है रूल जो कि नंबर ऑफ कैडेट को दिखाता है अगर एक रो के अंदर फाइव कैडेट मार्च कर रहे हैं तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो जरा आपको देखना पड़ेगा हमें इसमें एक्सप्लेन करके जरूर दिखाना होगा जैसे मैंने यहां बताया कि नंबर ऑफ रोज यहां पे नंबर ऑफ रोज जो है ना वो एन कह रहा है बुक वाला कि नंबर ऑफ रोज आप एन ले लेना जैसे रो वन रो टू रो थ्री ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ रोज है तो नंबर ऑफ रोज यहां लेनी है एन और एक रो के अंदर फाइव कैडेट्स हैं तो लिखेंगे कैडेट्स इन ईच रो हर रो के अंदर फाइव कैडेट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितना हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई एन तो देर फोर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स ये हो जाएगा फाइव एन यही इसका रूल है क्वेश्चन खत्म नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय